धे टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 1961 में गोवा की मुक्ति के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के साथ पुर्तगाली जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए थे। दूसरा, 1946 में राम मनोहर लोहिया ने गोवा में पुर्तगाली प्रतिबंध को पहली बार चुनौती दी थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक नहीं दो। इसका उत्तर है सी, यानी एक और दो दोनों। हाल ही में गोवा में भारतीय नौसेना ने गोवा मुक्ति की डायमंड जुबली मनाने के लिए 14 दिसंबर 2021 को दाबोलिम के राजहंस सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया। गोवा में पुर्तगालियों का शासन रहा है, जिसे हटाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के 36 घंटों के भीतर पुर्तगाली जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन ऑपरेशन विजय इस लड़ाई का अंतिम पड़ाव था। आज़ादी की अलख गोवा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1946 में जलाई थी। डॉक्टर लोहिया अपने मित्र डॉक्टर जुलियाओ मैनेजेस के निमंत्रण पर गोवा गए थे। लोहिया गोवा के असोलना में डॉक्टर मैनेजेस के घर पर रुके थे, जहां उन्हें पता चला कि पुर्तगालियों ने किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा पर रोक लगा रखी है। 18 जून 1946 को राम मनोहर लोहिया ने पुर्तगाली प्रतिबंध को पहली बार चुनौती दी। तेज बारिश के बावजूद उन्होंने पहली बार एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पुर्तगाली दमन के विरोध में आवाज़ उठाई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मड़गांव की जेल में रखा गया। महात्मा गांधी ने हरिजन में लेख लिखकर पुर्तगाली सरकार के दमन की कड़ी आलोचना की और लोहिया की गिरफ्तारी पर उन्होंने सख्त बयान दिया, जिसके बाद पुर्तगालियों ने माहौल गर्माता देख लोहिया को गोवा की सीमा से बाहर ले जाकर छोड़ दिया। रिहाई के बाद लोहिया के गोवा में प्रवेश पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। पोटी श्री रामालू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, श्री रामलू ने 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के चलते उन्हें कारावास की सजा हुई थी। दूसरा, 1941 में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था। तीसरा, उन्होंने गांधी से प्रभावित होकर दलितों के मंदिर प्रवेश अधिकार के लिए उपवास भी किया, अनशन भी किया। चौथा, भारत के पहले भाषाई राज्य का निर्माण उन्हीं के आंदोलन की देन है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए एक और दो, बी एक तीन और चार, सी दो तीन और चार, या फिर डी एक दो तीन और चार। इसका उत्तर है डी, यानी सभी स्टेटमेंट सही हैं। आज यानी 15 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में अमर जीवी के रूप में याद किए जाने वाले श्री पोट्टी श्री रामालू की पुण्यतिथि है। 16 मार्च 1901 को उनका जन्म आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में हुआ था। उन्होंने नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और इन आंदोलनों में गिरफ्तार भी हुए। वे महात्मा गांधी के प्रबल अनुयायी थे, इसीलिए वो कुमारावोलू में गठित गांधी आश्रम से जुड़ गए थे, जिसे सुब्रमण्यम ने स्थापित किया था। रेलवे में नौकरी के दौरान ही श्री रामलू पर महात्मा गांधी के विचारों का इतना प्रभाव पड़ा कि 4 साल में ही नौकरी छोड़ साबरमती आश्रम चले गए थे। उन्होंने 1946 से 1948 के बीच दलितों के मंदिर प्रवेश अधिकार के समर्थन में अनशन और उपवास किए। नेल्लोर के मूलपेट स्थित वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए वो अनशन पर ठीक उसी प्रकार बैठ गए जैसे गुरुवायूर और वायकोम सत्याग्रहों के जरिए दक्षिण भारत में के केलप्पन बैठ गए, जिन्हें दक्षिण भारत का गांधी भी कहते हैं। श्री रामलू को आंध्र के गांधी मेमोरियल फंड के निदेशक के पद पर भी नियुक्त किया गया था। यह महत्वपूर्ण बात है कि महात्मा गांधी ने पोटी श्री रामालू के लिए कहा था कि यदि मेरे पास श्री रामालू जैसे 11 और अनुयायी या समर्थक हो जाएं, तो मैं ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी 1 साल के भीतर ले लूँगा। पोटी श्री रामालू आंध्र प्रदेश को अलग राज्य यानी मद्रास से अलग बनाने की मांग पर उन्होंने आमरण अनशन किया और 53 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु के बाद ही आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई राज्य बना था। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। हाल ही में काजूवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य यानी बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, या फिर डी आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है ए, यानी तमिलनाडु।
तमिलनाडु में विल्लुपुरम के पास स्थित काजुवेली आर्द्रभूमि को हाल ही में पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और वन विभाग द्वारा तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। 5,151.60 हेक्टेयर भूमि पर यह काजुवेली पक्षी अभयारण्य स्थित है और यह अभयारण्य पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। यह मध्य एशिया और साइबेरिया के कोल्ड सब आर्कटिक यानी शीत उप आर्कटिक क्षेत्रों से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले प्रवासी पक्षियों के आदर्श निवास स्थानों में से एक है। इन पक्षियों में कुछ खास हैं काली पूंछ वाली गॉडविट्स, यूरेशियन करल्यू, वाइट स्टार्क और रूफ। इस अभयारण्य के दायरे में 13 गांव भी पड़ते हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। 670 वर्ग किलोमीटर के कैचमेंट एरिया यानी अपवाह क्षेत्र के साथ काजुवेली वेटलैंड्स को दक्षिण भारत में पुलिकट लेक के बाद दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील यानी ब्रैकिश वाटर लेक माना जाता है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस भारतीय राज्य के 4 जिलों में 20-20 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु या फिर डी झारखंड। इसका उत्तर है डी यानी झारखंड। झारखंड के पलामू में 20 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क बनाया जाएगा। इसको लेकर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। पलामू के साथ साथ गढ़वा, देवघर और सिमडेगा में भी 20-20 मेगावाट के सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। पलामू के सांसद बीडी राम ने पलामू गढ़वा में बिजली की कमी को देखते हुए इस क्षेत्र में थर्मल प्लांट लगाने की मांग की थी, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने थर्मल प्लांट की जगह सोलर पार्क को लगाने की मंजूरी दी है। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। विश्व का पहला तैरने वाला शहर निम्नलिखित में से किस देश में बन रहा है? ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी कनाडा, सी रूस या फिर डी दक्षिण कोरिया। इसका उत्तर है डी यानी दक्षिण कोरिया। दुनिया का पहला तैरने वाला शहर दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में बनाया जा रहा है। समुद्र तट के किनारे में बनाए जाने वाले इस शहर का निर्माण 2025 तक कर लिया जाएगा और इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। इस पूरे शहर को तैयार करने में 1500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके लिए बुसान मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूएन हैबिटेट और न्यूयॉर्क की डिजाइनिंग फर्म ओशियानिक्स के बीच करार हुआ है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर में छोटे छोटे आइलैंड तैयार किए जाएंगे जिसमें इंसान रहेंगे। यह शहर अपने लिए खाना खुद तैयार करेगा। यहाँ साफ पानी की पूरी व्यवस्था होगी। खरीदारी के लिए पानी में बाजार लगेगा। खरीदार बोट के जरिए एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड का सफर कर सकेंगे। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।